मुरादाबाद में पैदा हुई एक विचित्र बच्ची। इस बच्ची के हैं चार पैर और चार हाथ। इस विचित्र बच्ची को देखने के लिए लगा लोगों का तांता। चार पैर और चार हाथ वाली ये विचित्र बच्ची उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुई है। अपनी विचित्र आकृति के चलते ये बच्ची पूरे क्षेत्र में कौतूहल का विषय बन गई है और अस्पताल में इस बच्ची को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिविल लाइन क्षेत्र इलाके के फरजाना नर्सिंग होम में पिंकी नाम की महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके पैदा होते ही अस्पताल में मौजूद सभी इस नवजात को देखने के लिए पहुंच गए। जब डॉक्टरों ने देखा कि इस बच्ची के चार पैर, चार हाथ, दो पेट और एक सिर है। जैसे ही ये सूचना लोगों को मिली, इस चमत्कार को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि विचित्र बच्ची जीवित पैदा नहीं हुई। बच्ची के पिता की माने तो उसने दो बार अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया था, लेकिन उसके बाद भी बच्चे की सही स्थिति का पता नहीं चल पाया। ये बच्चा तकरीब 8 दिन से बताया था, हमने 15 भी हमने कराया था 6 महीने का अल्ट्रासाउंड, तो उसमें ज्यादा का लड़का हमारा बच्चा सही है, थोड़ा तिरछा है, हम नॉर्मल होना चाहिए कि बच्चा तो सीधा हो जाएगा। फिर इसके बीच में 7 दिन जब जाए से 7 महीने बाद हमने तुरंत पुष्पांजलि धान ले, पिंकी का प्रसव कराने वाली डॉक्टर फरजान भी इसे ईश्वर का चमत्कार मान रही है। मेरी लाइफ में तो ये पहला केस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मानती हैं कि बच्चा अद्भुत है क्या? जी जी। क्या और केसों के मुकाबले इसमें कोई फर्क होता है? डॉक्टरों की माने तो 2 लाख डिलीवरी में एक ऐसा केस आता है। वायरल कीड़ा न्यूज़।